इस साल आईफा अवार्ड्स को 20 साल पूरे हो गए हैं। आईफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन बॉलीवुड के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। सितारों से सजी इस शाम में ग्लैमर की चमक देखने लायक होती है। इस बार भी जब सितारे सज धज कर रेड कारपेट पर पहुंचे तो कैमरे उन्हें घूरते ही रह गए। किसी ने जमकर ठुमके लगाए तो कोई अपने अतरंगी कॉस्ट्यूम को लेकर चर्चा में रहा। चकाचौंध से भरी ये शाम जितनी स्टार्स को लेकर चर्चा में रही उतनी ही सुर्खियां इस साल के अवार्ड विजेताओं को भी मिली। बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट एक्टर्स तक के अवार्ड जब बांटे गए तो सिर्फ स्टार्स ही नहीं फैंस की भी सांसें थम गई। इस बार मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन काफ़ी समय बाद मुंबई में आयोजित हुआ, जिसके चलते इस बार सेलिब्रेशन डबल हो गया। सितारों से सजी इस शाम में कई स्टार्स की धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस ने भी जबरदस्त माहौल बना दिया। इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड राजी को मिला है और फिल्म की स्टार आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो फिल्म पद्मावत के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया है। वहीं ईशान खट्टर को फिल्म धड़क के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड दिया गया है। जोहान्सबर्ग, मैड्रिड, दुबई, कोलंबो, न्यूयॉर्क जैसे शहरों के बाद अब आईफा 2019 मुंबई में ही आयोजित किया गया। अवार्ड सेरेमनी को अर्जुन कपूर और आयुष्मान खुराना ने होस्ट किया। वहीं सलमान खान, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ और सारा अली खान समेत कई हस्तियों ने परफॉर्म किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस एक्टर और फिल्म ने जीता है आईफा अवार्ड 2019। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर श्री राम राघवन अंधाधुंध के लिए है। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी फिल्म पद्मावत के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्की कौशल को दिया गया है फिल्म संजू के लिए। वहीं बेस्ट म्यूजिकल एल्बम की बात करें तो सोनू के टीरू की स्वीटी को बेस्ट म्यूजिकल एल्बम का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य को फिल्म धड़क के लिए दिया गया है। बेस्ट सिंगर ए वतन राजी फिल्म के लिए अरिजीत सिंह को दिया गया है। बेस्ट सिंगर हर्षदीप कौर विभा सराफ को दिया गया है ए वतन, जो कि राजी फिल्म का गाना है। बेस्ट डेब्यू एक्टर ईशान खट्टर को दिया गया है फिल्म धड़क के लिए। वहीं बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड सारा अली खान को फिल्म केदारनाथ के लिए मिला है। बेस्ट स्टोरी के लिए अवार्ड अंधाधुंध फिल्म के लिए श्रीराम राघवन, पूजा लाढ़ासूती, अरिजीत विश्वास, योगेश चंदेकर और हेमंत राव को दिया गया है। 20 सालों में बेस्ट एक्टर के लिए रणबीर कपूर को बर्फी के लिए आईफा का स्पेशल अवार्ड मिला है। यह अवार्ड था पिछले 20 सालों के बेस्ट एक्टर का। वहीं 20 सालों में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दीपिका पादुकोण को चेन्नई एक्सप्रेस के लिए स्पेशल अवार्ड दिया गया। वहीं 20 सालों में जो बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं उसके लिए राजकुमार हिरानी को ये आईफा स्पेशल अवार्ड दिया गया। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने सलमान खान के हाथों ये अवार्ड लिया। वहीं 20 सालों में पिछली बेस्ट फिल्मों की बात की जाए तो राकेश रोशन की ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म कहो ना प्यार है को पिछले 20 सालों की बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 20 सालों में प्रीतम को ये स्पेशल अवार्ड दिया गया। वहीं 20 सालों में बेस्ट डांस डायरेक्टर के लिए सरोज खान को हिंदी सिनेमा ने अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए खास अवार्ड दिया गया। इसमें एक्टर जगदीप को सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए बेहतरीन उपलब्धि से नवाजा गया। और आईफा 2019 इस बार सितारों के लिए कई सारे अवार्ड्स लेकर आया।